2018 में प्रेम उन्नीस के समय शिव बाबा प्रत्यक्ष हो जाएंगे, तो प्रेम उन्नीस के साथ शिव बाबा प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो सारे ब्रह्मा कुमार कुमारी बाबा को जान जाएंगे। संक्षेत्र में बाप की प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया तो सारे ब्रह्मा कुमार कुमारी जान गए क्या है? धीरे धीरे होता है, हथेली पे आम थोड़े ही जमाया जाता है। और बाबा जो शरीर से सरेंडर नहीं होते तो वो राजा पद उनको मिलेगा? जो शरीर से सरेंडर नहीं होते उनको राजा पद मिलेगा? बाबा कहेंगे तुम मन से सरेंडर हो गए तो मैं भी तुमको मन से राजा ही दे दूंगा। संकल्पों में सरेंडर हुए हो ना तो संकल्पों से मैंने तुम्हें राजा ही दे दी। प्रैक्टिकल माना ही शरीर से, तन से भी अर्पण। प्रैक्टिकल में जो धन कमाया हुआ है उससे भी अर्पण, चाहे हद का धन हो चाहे बेहद का धन हो। प्रैक्टिकल में देखने में आना चाहिए कि अर्पण किया है या नहीं किया है। और ड्रामा में हर आत्मा को जन्म लेने का और शरीर छोड़ने का, हर आत्मा हर जीवात्मा 21 जन्म लेगी? नहीं बाबा, इसको शरीर छोड़ने का और जन्म लेने का समय निश्चित है। हाँ जी, समय को टाला जा सकता है? या इस समय को टाला जा सकता है? किसने मना किया कि तुम अच्छा पुरुषार्थ न करो? करो, करके देखो। पहले से ही नेगेटिव क्यों करना? और पापा ब्रह्मा द्वारा माँ का पाठ चला खत्म हो गया और पाठ टीचर का पाठ अभी शुरू है, तो सद्गुरु का पाठ कब से कब तक शुरू होगा? जब सख्त हो जाए तो सद्गुरु का पाठ। और आपने मुरली में कहा है कि कामी क्रोधी मोही, मुरली में कहा है कि कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी सबको माफ करूंगा पर देहाभिमान को माफ नहीं। अहंकारी को ही तो देहाभिमानी कहा जाता है। कामी माफ, क्रोधी माफ, लोभी माफ, मोही भी माफ, परंतु जो देह का अहंकार दिखाते हैं उनको माफ नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि बाप सबको विदेही बनाने आया हुआ है कि कोई को देह सहित ले जावेगा है, सबको देह त्यागनी पड़े या नहीं त्यागनी पड़े, सबको विदेही बनाकर ले जाऊंगा, आत्मा बना के ले जाऊंगा। कहते हैं मच्छरों सदृश ले जाऊंगा, जैसे मच्छर की कोई वैल्यू नहीं होती, थोड़ा सा भास होता है कि मच्छर बैठा, फट से मार देते, कोई वैल्यू नहीं। ऐसे देह अभिमान वालों की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, जो आत्माभिमानी होंगे उनकी ही सुरक्षा की जाएगी,
और बाबा जो नौ कुरियां बताई हैं ब्राह्मणों की, तो उनकी विशेषता क्या है और ब्राह्मण बच्चों में नौ धर्मों की क्या विशेषता है? और बाबा जो मतलब ये कैसे पता चलेगा बच्चों को कि अभी हमारा पुरुषार्थ किस लेवल तक आ गया? हर धर्म की अपनी अपनी विशेषताएं हैं या नहीं है? खास खास विशेषताएं भी हैं। देवी देवता सनातन धर्म की विशेषता है सहन करना। चंद्रवंशी क्षत्रियों की विशेषता है सामना करना। इस्लामियों की विशेषता है क्या? विशेषता है कामी, इस्लामी कहा जाता है। व्यभिचारी जरूर होते हैं, क्रोधी की क्रोधी को कौन सा धर्म का बताया? क्रिश्चियन धर्म। और सब धारणाएं छोड़ देंगे लेकिन क्रोध को नहीं छोड़ेंगे। मुसलमानों को लोभ ही दिखाया गया है, हिस्ट्री में भी प्रसिद्ध है कि लोभ के कारण उन्होंने भारत में आके लूटपाट की, हिंसा की, आगजनी की। महर्षि दयानंद के आर्य समाजियों को मोही कहा गया है। किस बात का मोह है? कि हमारी संख्या में वृद्धि होनी चाहिए, हमारा परिवार बड़ा होना चाहिए। तो सभी धर्म वालों को उन्होंने निमंत्रण दे दिया, कोई भी आकर के आर्य समाजी बन सकता है, हम उसे हिंदू बना लेंगे। तो जैसे हर धर्म की विशेषताएं हैं, ऐसे ही उन नौ कुरियों में आने वाले ब्राह्मणों की भी विशेषताएं हैं। और भारत अभी पूरा माटी है, उसके लिए कोई साकार भगवान नहीं है, तो वो क्या हमेशा माटी करके या कभी आस्ती भी करेंगे? जब शरीर छोड़ेंगे उस समय उनको आस्तिक बनना पड़े। और वो भी साकार को रोने भगवान मानने में हुज्जत होती रहेगी। और बाबा ने कहा है कि माउंट आबू वालों को माउंट आबू छोड़ना पड़ेगा। माउंट आबू नहीं बोला, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। माउंट आबू तो अभी मधुबन है, है? तो ये छोड़ना एकदम से होगा कि धीरे धीरे होगा? नहीं नहीं, चार छह साल में छोड़ देना। ट्रेन निकल जाए, दो चार छह दस बीस ट्रेनें निकल जाए तब छोड़ना। जल्दी क्यों छोड़ोगे, नाक रगड़ते रहना। अभी से कन्फर्म कर लो। क्या क्या कन्फर्म कर लो? कि अगर छोड़ना ही है तो जल्दी नहीं छोड़ना है। कैसे छोड़ना है? धीरे धीरे छोड़ना है। और अष्ट देव ऐसे जो चार देवता है, इंद्र, अग्नि, वायु, जल, और इनको संगठित रूप में स्वर्ग में दिखाते हैं। है? इनको संगठित रूप में स्वर्ग में दिखाते हैं और संगठित रूप से ही स्वर्ग में आने वाली आपत्ति का सामना करते हैं।
और बाकी जो चार है उनको समर्थ रूप में नहीं दिखाते हैं तो क्या यहाँ विजय माला के मंत्र दिखा? किनको संगठित रूप में दिखाते हैं और किनको नहीं दिखाते हैं? जो चार देवता है अग्नि है, जो चार देवता है ना इंद्र अग्नि वायु जल है, इनको संगठित रूप में दिखाते हैं। जब संगठित हो जाते हैं तो किस आधार पर संगठित हो जाते हैं? रावण के अंडर में है तब संगठित होते हैं या राम के अंडर में आते हैं तो संगठित होते हैं? तो माला में भी आ जाते हैं। हाँ जी, माला के मन के जो भी बनेंगे 108-1000 सहयोगी भुजा है वो कैसे जानेंगे कि मैं 108 में हूँ या 1000 में हूँ या 16108 में? माया एक एक करके जब तोड़ देगी, अनिश्चय बुद्धि बनाए देगी, तो अनिश्चय बुद्धि बनने के बाद जब बाप प्रत्यक्ष होगा सारे संसार में तो बाप के साथ जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? जब जुड़ेंगे तो कोई नंबर से जुड़ेंगे या बिना नंबर के जुड़ जाएंगे? नंबर वार जुड़ेंगे तो नंबर बन जाएंगे। और बाबा जब विनाश स्टार्ट होगा तो सूर्यवंशों में प्रवेशता चालू होगी सूर्य आत्माओं की, तो फिर उसे कैसे बचा जाए? सूर्यवंशियों में प्रवेशता तब चालू होगी, अभी नहीं चालू है, हैं? अभी और वंश वाली आत्माएं जो ज्यादा पावरफुल हो गए हैं वो कमजोर बनने वाले सूर्यवंशियों में अभी प्रवेश नहीं करते हैं क्या? हैं? करते हैं। हाँ, अभी कम प्रवेशता है, आगे चल करके ज्यादा प्रवेश होंगे तब पता चलेगा कि कौन कौन से सूर्यवंशी हैं जिन्होंने ज्यादा इस आत्मिक स्थिति धारण की है और कौन कौन है जिन्होंने आत्मिक स्थिति नहीं बनाई है। प्रजा वर्ग में जाने वाले हैं या तो दास दासी बनने वाले हैं? और ब्रह्मा अभी फरिश्ता नहीं बने हैं, सबसे पहले फरिश्ता बड़े से बड़ा सबराई बनता है, तो ब्रह्मा की सूक्ष्म मतलब वाक्य है बाबा, तो सूक्ष्म मतलब वाक्य को फरिश्ता कहा जाता है ना? फरिश्ता शरीर से गाया जाता है या बिना शरीर के गाया जाएगा? गायन इस धरती पर होता है या सूक्ष्म बतन में होता है? तो धरती पर गायन होता है तो धरती पर ही वो फरिश्ता जिसका फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता न हो, और रिश्ता नाता शरीर की इंद्रियों से जोड़ा जाता है या बिना शरीर के रिश्ता होता है? है? शरीर की इंद्रियों से ही रिश्ता गाया जाता है, शरीर ही नहीं है तो रिश्ता काहे का? शरीर भी हो इंद्रियां भी हो परंतु रिश्ता साबित न होता हो, लगाव साबित न होता हो, उसे कहेंगे फरिश्ता। बाबा मन के मौन से नई रंगत निकलती है, क्या है बाबा? आदमी भाग दौड़ करके सेवा करता है, रिजल्ट नहीं निकलती है,
वाचा से बोल बोल करके सेवा करता है, रिजल्ट नहीं निकलती है। तन से सेवा करता है, धन से सेवा करता है, रिजल्ट नहीं निकलती है। हर प्रकार की स्थूल सेवा से कोई रिजल्ट नहीं निकलती है। आखिरी जो लगनशील होता है वो मन के मौन में आ जाता है। और मन जब एकाग्र हो जाता है तो तन की शक्ति, धन की शक्ति, जन शक्ति, ये सब फीकी पड़ जाती है। सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? हैं? सबसे बड़ा है मनोबल। जो मनोबल बढ़ाने के लिए बाप आया हुआ है, दुनिया में जितने भी 2500 वर्ष की इतिहास में योगी हुए हैं, मनुष्य गुरु हुए हैं, उन्होंने मन का मौन किसी ने नहीं सिखाया, मन का योग नहीं सिखाया, तन का योग सिखाया, आसन सिखाए, प्राणायाम की प्रक्रिया सिखाई, वाचा से मौन रहना सिखाया, लेकिन मन को एकाग्र करना किसी ने नहीं सिखाया। ये बाप ही आकर के बताते हैं कि अपन को आत्मा समझो, मन रेव आत्मा, मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। जब मन बुद्धि की एकाग्रता में आ जावेंगे तो तुम्हारे सारे संकल्प सिद्ध होने लगेंगे। अभी अभी संकल्प किया और अभी अभी सिद्ध हुआ, इसके लिए कहा गया है कि मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। जब कोई सहारा नहीं रहता है, सारे सहारे टूट जाते हैं, तो आदमी क्या करता है? चुप हो जाता है या पागलों की तरह बोलता रहता है? चुप हो जाता है तो ताकत इकट्ठी हो जाती है। और बाबा कहते हैं ऐसा भी टाइम आएगा, जो भी देखेगा तो ये कहेगा कि यह मेरा बाबा, यह ब्रह्मा कुमारी या इस्लामी धोखी मुसलमान या क्रिश्चन का बाबा नहीं है। जो देखेगा वो कहेगा कि मेरा बाबा आ गया। ऐसा टाइम 2018 से शुरू होगा कि कब से शुरू होगा? वो देखने वाला बाबा, जिसे कानों से सुना जाए ऐसा बाबा, वो संपन्न स्टेज वाला होगा या अधूरी स्टेज वाला होगा? सात्विक स्टेज वाला होगा या तामसी स्टेज वाला होगा, रजो प्रधान स्टेज वाला होगा? कैसा बाबा होगा? हैं? प्रैक्टिकल में कैसा होगा? सात्विक स्टेज वाला होगा। जो सात्विक स्टेज वाला होगा उसकी हर इंद्रियों से सात्विक वातावरण निकलेगा, सात्विक वातावरण निकलेगा, सात्विक वाइब्रेशन निकलेगा या तामसी वाइब्रेशन आवेंगे? सात्विक आवेंगे। तो जो इन आंखों से देखेगा, आंखों से देख करके भी महसूस किया जाता है ना कि नहीं महसूस करते हैं?
महसूस करते हैं और कानों से सुना जाता है या नहीं सुना जाता है। कोई बोल बोलता है तो कानों से सुनने में आते हैं ना, तो ऐसे बोल देखने में सुनने में आवे, ऐसा रूप निराकारी देखने में आवे जो देखने वालों का देखते ही निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज का संग का रंग लगने लगे। तो सांप की बुद्धि में आने लगेगा कि यही मेरा बाप है, नहीं तो कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों का बाप होगा। है बच्चा पैदा होता है तो जयंती मनाई जाती है, या गर्भ में आता है तो जयंती मनाई जाती है। कब मनाते हैं? जब बाहर आता है, प्रत्यक्ष होता है, और धीरे धीरे प्रत्यक्ष होता है कि एकदम प्रत्यक्ष हो जाता है। पहले परिवार वालों को पता चलता है, कोई पारिवारिक इकाई पहली पहली होगी जो पहले पहले जानेगी कि हमारा बाप आ गया, वो कितनों की पारिवारिक इकाई होगी? 8 की होगी, 8 पहले जानेंगे, फिर वो 8 भी 8 धर्मों के पूर्वज हैं। तो अपनी अपनी वंशावली को जानकारी पहले देंगे या दूसरों को देंगे? हैं? अपनी अपनी वंशावली को पहले देंगे और उस वंशावली में भी ऊंच और नीच होंगे या नहीं होंगे? हैं? तो ऊंचे वालों को पहले देंगे या नीचा पुरुषार्थ करने वालों को पहले देंगे? जो ऊंचे पुरुषार्थी होंगे उनको पहले नजदीक खींचेंगे। ऐसे करते करते दिन दूना रात चौगना प्रत्यक्षता होती जाएगी। और बाबा आत्मिक स्थिति की एक्यूरेट पहचान क्या है? आत्मिक स्थिति जिसकी पक्की बन जाएगी, उसकी आंखें इधर उधर देखेंगी, देखती हुई नजर आएंगी या स्त्रियम नजर आएंगी? हैं? स्त्रियम होंगी, अकेली आंखें ही नहीं, सभी इंद्रियां स्त्रियम हो जाएंगी। उसको कहेंगे आत्मनिष्ठ। बाबा बाबा कहते हैं मैं जाने जाना था हूँ, कौन सी मुरली में कहा मैं जानी जाना रहा हूँ? कोई मुरली है आपके पास? कोई तारीख दिखाओ, नहीं तो बाबा कहेंगे श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को बाबा ने तो किसी मुरली में नहीं कहा कि मैं जानी जाना ना हार हूं। अगर जानी जाना ना हार हूं ये कहा होता तो पोता मेल देने के लिए क्यों कहता? जानी जाना ना हार को पोता मेल देने की जरूरत है? है? नहीं है। हाँ, जो प्रवेश करने वाला निराकार ज्योति बिंदु शिव है
वो जानी जाने नहार है, और जिस साकार में प्रवेश करता है वो जानी जाने नहार नहीं है, वो बाहर की एक्ट के आधार पर पहचानता है। माफ करने वाला कौन है? माफ उसे कहा जाता है और उसे किया जाता है जो सच्चा होता है। चोरी करे और फिर झूठ बोल दे कि मैंने चोरी नहीं की, और बाद में उसका प्रूफ पकड़ा जाए तो माफ किया जाएगा। ये तो बात ठीक है बाबा, लेकिन करने वाला कौन? चोर। नहीं, माफ करने वाला। अरे माफ सबको कर देता है या सच्चे को माफ करता है? सच्चे को ही। जो सच्चा है वो ही सच तो बिठो नच्च, जो सच्चा होगा उसी को माफ किया जाएगा। जिसके प्रति गलती की जाती है वो माफ करता है, उसे दंड देना चाहिए, या जो गलती करता ही नहीं है, जिसके प्रति गलती हुई ही नहीं है, वो अधिकारी है। गलती कोई और करे, किसी और के प्रति करे, और माफ कोई दूर वाला करे तो चलेगा? जिसके प्रति गलती हुई है वो ही उसको माफ कर सकता है। और ईश्वर की संपूर्ण मनुष्य आत्मा ये जान लेगा जिस तरीके से भी कि यही मेरा पापा है, तो क्या तब संपूर्ण शिव जयंती कहेंगे? क्या कहेंगे? संपूर्ण शिव जयंती जब विश्व की सारी एक मनुष्य आत्मा जान लेगा, विश्व की सारी मनुष्य आत्मा जान लेंगी तो आखिरी विनाश हो जाएगा, या जयंती के ढोल मजारे नगाड़े बजेंगे? है? जब जयंती होती है, जन्मदिन मनाया जाता है, तो ढोल मजीरे बजाए जाते हैं, और ढोल मजीरे जयंती खास भारतवासी मनाते हैं या विश्व की सारी आत्माएं मनाती हैं? दुनिया के और धर्म के लोग शिव जयंती नहीं मनाते हैं। क्यों नहीं मनाते हैं? क्योंकि शिव भगवान निराकार को समझते हैं, उनकी बुद्धि में साकार नहीं बैठता, और जयंती साकार की मनाई जाती है या बिंदी की मनाई जाती है? साकार की जयंती मनाई जाती है। तो भारतवासी शिव जयंती मनाते हैं, सारी दुनिया की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं शिव जयंती का जश्न नहीं मनाएंगी, उनको वो खुशी आएगी ही नहीं। और ईश्वर का जो ज्ञान है वो नाम के ऊपर आधारित है। ईश माने शासन और वर माने श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। तो जिसका ज्ञान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करना सिखाता है वो ही ईश्वर है। मनुष्य जो दुनिया में शासन किया है 2500 वर्ष, वो हिंसा का शासन किया है,
या दिलों को जीतने का शासन किया है, हिंसा का शासन किया है, वो आत्माओं का ज्ञान है, परमात्म ज्ञान नहीं है, ईश्वर का ज्ञान नहीं है। ईश्वर बाप की यादगार में तो दिलवाड़ा मंदिर बनाया गया है। क्या किया? एक एक की दिल लेने वाला है। और बाबा 2018 के बाबा आना तो भी मुझे नहीं। अभी आते हैं या नहीं आते हैं उसका क्या प्रूफ है? अभी कोई प्रूफ है? हैं? जब अभी प्रूफ नहीं है तो 17-18 में क्या प्रूफ मिल जाएगा कि आ रहा है या नहीं आ रहा है? जो बाप आया उसका विरुद्ध है, मैं आप समान बना करके जाऊंगा। तो जब बच्चा ही बाप समान बन गया तो पता कैसे लगेगा ये बाप है या बाप समान बच्चा है? बाप और बच्चे में कोई भेद रह जाएगा? रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। तो कैसे कहेंगे बाप है या नहीं है? और पानी को मारने के लिए राम को सात बच्चों के ताड़ का सहारा लेना पड़ा, बाली बंदर था। यह मनुष्य था है? बाली तो बंदर था और भगवान आते हैं बंदर को मंदिर लायक बनाने के लिए। तो देह अहंकार को मारते हैं या शरीर को मार देते हैं? हैं? देह अहंकार को मारते हैं और भगवान की मार भी युक्ति से होती है या बिना युक्ति के होती है? हैं? युक्ति से होती है। सात ताड़ के वृक्ष अर्थात बहुत ऊंचे माने जाते हैं दुनिया में। आज की दुनिया में जो बहुत ग्रेट माने जाते हैं, ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, वो कौन कौन है? कोई है या नहीं है? हैं? कौन कौन? इस्लाम धर्म का धर्म पिता, बौद्ध धर्म का धर्म पिता, क्रिश्चियन धर्म का धर्म पिता, सन्यास धर्म का धर्म पिता, मुस्लिम धर्म का धर्म पिता, सिख धर्म का धर्म पिता, आर्य समाजियों का धर्म पिता, कितने हुए? हैं? सात हो गए। वो सात धर्म पिताएं भारतवासियों में आते हैं या विदेशियों में आते हैं? विदेशियों में आते हैं। हैं? किसमें आते हैं? वही सात नारायण हैं जो सतयुग में आखिरी सात नारायण बनते हैं, कम कलाओं वाले।
उन सातों का दुनिया में बहुत मान्यता है। दुनिया की बड़ी बड़ी जनरेशन से उन धर्म पिताओं को मानने वाली है, इसलिए कहा जाता है बहुत ऊंचे ऊंचे ताड़ के वृक्ष हैं। ताड़ का वृक्ष ऊंचा होता है या नीचा होता है? बहुत ऊंचा होता है। कृष्ण का जन्म होता है तो कृष्ण के जन्म से पहले कंस सात बच्चों को मारता है। सात बच्चे अगर मरे नहीं तो कृष्ण का जन्म होता है? नहीं होता। तो ये सात ताड़ के वृक्ष हैं जिनकी ओट लेकर के बाली को मारा गया। कहते हैं अगर उसे कोई आमने सामने मारता तो उसकी आधी ताकत उसमें समा जाती, बाली में आधी ताकत समा जाती, तो मारने वाला तो कमजोर हो जाता। इसलिए ये युक्ति है, कृष्ण ने पहले पहले कंस का सीधा मुकाबला किया या गांवने गांवने में भागता रहा? भागता रहा, युक्ति से काम लिया, आमने सामने नहीं आया। राम ने जंगलों में रह करके रावण को मारा। क्या रावण की नगरी में आकर के युद्ध नहीं हो सकता था? फिर भी नहीं किया। कहते हैं शंकर भगवान ने भस्मासुर से सीधी लड़ाई नहीं की, सारी दुनिया में भागते फिरे। आमने सामने की लड़ाई क्यों नहीं की? है क्योंकि भगवान के पीछे तो सारी दुनिया समाई हुई है, सांप का खून खराबा हो जाता, सारी ताकत उसमें समाप्त हो जाती। इसलिए युक्ति से काम लिया। तो रामायण में ये दिखाया है कि बाली को सात ताड़ों के वृक्ष की ओट से मारा, कि न सात ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा वो ही बाली को मारने पाएगा। सात नारायण अगर धराशायी हो जाएं, तो सतयुग का पहला नारायण भी धराशायी हो जाएगा। और अभी अभी मुरली में आया है ना कि अनपढ़े पढ़ो के आगे बड़ी होती है, बड़ी लगी इसका। जो यहाँ बाप की पढ़ाई पढ़ेंगे वो ऊंचे पद पाएंगे, और अनपढ़े होंगे जिन्होंने पढ़ाई नहीं पढ़ी होगी वो क्या बनेंगे? वो दूसरों को पढ़ाई पढ़ाएंगे? न खुद पढ़ेंगे न दूसरों को पढ़ाएंगे, खुद रुलेंगे पिलेंगे और दूसरों को भी रुलाएंगे। बाप क्या कहते हैं, दुखी करेंगे तो दुखी होकर के मरेंगे, जो दुख में शरीर छोड़ेंगे उनको जन्म जन्मांतर दुख ही मिलता रहेगा दास दासी बन करके। बाबा कुत्ते जलाने वाले होते हैं सतयुग में, तो कोई कुत्तों का कोई काम ही नहीं, तो फिर कहाँ जला के देंगे?
सागर के किनारे अपने आप चले जाते हैं, सागर की लहर आएगी और ले जाएगी। सत्युग की बात हो गई ना, त्रेता की भी बात हो गई, त्रेता की भी हो गई, और कौन सा चाहिए? बाबा बोलते हैं तुम्हारे चरणों को। अरे एक एक आदमी को बोल लेने दो, बाबा कहते हैं धीरज धर मनुआ धीरज धर। बाबा कहते हैं युद्ध में भी कहते हैं एक से एक की लड़ाई होनी चाहिए हैं? अगर अभिमन्यु की तरह सात आठ ने मिलकर के हमला किया तो ये धर्म युद्ध है या अधर्म युद्ध है? हैं? अधर्म युद्ध है। हाँ, धर्मों के आधार पर बाबा पुचार कर अगर अच्छा नहीं करोगे तो कांडा ही बनोगे, कोई मुंडे जलाने वाले बनोगे, तो वो कहाँ की बात है? कर्मों के आधार पर पढ़ाई पढ़ना कैसा होता है? नहीं पढ़ाई नहीं बाबा, अच्छे से अगर पढ़े नहीं बाप के कीमत पर चले नहीं तो तुम्हारा पद नीचा हो जाएगा। सही बात है, तो मुंडे जलाने वाले होंगे, कोई चांडाल बनेंगे, तो ये कब की बात है? ये अभी की बात है। बाबा एक बात कहते हैं, वो जस्ट उसकी उल्टी बात करते हैं। बाबा एक काम करने के लिए कहेंगे, वो जस्ट उसका उल्टा काम करेंगे, तो क्या पद पाएंगे? और है लक्ष्मी जो प्रत्यक्ष हो जाएंगी तो तब तक पुरुषार्थ क्यों का है, फिर सबके पुरुषार्थ में फुल स्टॉप लग जाएगा। सबका पुरुषार्थ तब तक ही है, उसके आगे लक्ष्मी के प्रत्यक्ष होने तक ही पुरुषार्थ है। माने लक्ष्मी के आने के बाद ज्ञान धारण करने का पुरुषार्थ नहीं है। अभी सुनते तो सब हैं, परंतु धारणा भी करते हैं क्या? करते हैं है? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? है धारण कराने वाला गुरु जैसा होगा स्टूडेंट भी कैसे बनेंगे? है वैसे ही बनेंगे। और धारण कराने वाला प्योर होना चाहिए या इम्प्योर होना चाहिए? प्योरिटी ही यूनिटी बनाती है। तो लक्ष्मी जब आएगी तो सब ज्ञान को धारण करेंगे। अभी तो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, अभी धारणा किसी को नहीं हो रही है। फिर क्या होगा? लक्ष्मी आएगी तो जो सुनेंगे उनको धारणा होगी। और लक्ष्मी आने, पापा लक्ष्मी आने के बाद तो बच्चों को ज्ञान सुनाएंगे। इसीलिए तो कहा आह्वान करो, किसका आह्वान करना है? लक्ष्मी का आह्वान करना है। भारत में भी, खास भारत में भक्ति मार्ग में मानते हैं कि अकेला पुरुष अधूरा है या शादी के बाद संपन्न कहा जाता है? हैं? जब शादी होती है तो कहा जाता है पूर्ण हुआ, तो लक्ष्मी और नारायण दोनों ही चाहिए। और क्या बोला? किया और सिद्ध हो गया है, संकल्प किया और सिद्ध हो गया, उसको कौन सी स्टेज कहेंगे? संकल्प सिद्धि, मन की पावर परिपूर्ण स्टेज को पा गई। मन अर्थात आत्मा संपन्न हो गई। मन रेव आत्मा, मन बुद्धि जब एकाग्र हो जाएगी तो जो संकल्प करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा।
ये सबसे आत्मा की ऊंची स्टेज है संकल्प सिद्धि। धन की सिद्धि बड़ी बात नहीं है, तन की सिद्धि बड़ी बात नहीं है। कौन सी बड़ी बात है? मन की सिद्धि, संकल्प सिद्धि। और अश्विनी के हाथ में भारतीय जो बताया गया है वो छंद बताया गया है, और सरस्वती के हाथ में भी जो कुंडला बताया गया है, लेकिन जो जगत माता है उसके हाथ में तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है, ऐसा क्यों? जगत माता तो जगदम्बा है, जगदम्बा के दो रूप हैं, सात्विक रूप है जगदम्बा और तामसी रूप है महाकाली। तो दोनों के आयुध अलग अलग रूप से दिखाए गए हैं, एक जैसे नहीं है। और बेहद की धारणा और हद की धारणा, एक होता है शमशानी बैराग। क्या होता है? शमशान घाट में गए, थोड़े समय के लिए बैराग आता है और गायब हो जाता है। ऐसे ही धारणा भी, जब अच्छा अच्छा सुनते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है कि हम धारणा करेंगे, अच्छी बात है, और बाहर गए, बाहर की दुनिया में गए तो कलास, तो कहेंगे हद की धारणा हुई, बेहद की नहीं हुई, अल्पकाल की धारणा हुई, सदा काल की धारणा नहीं हुई। और बाबा सम्मान और सम्मान में आपस का दोनों का क्या संबंध है? सम्मान और सम्मान का दोनों का आपस में क्या संबंध है? सम्मान संपूर्ण और सम्मान समान, मान माने मान, और एक होता है स्वमान। स्वमाने आत्मा, आत्मा का मान। आत्मा का क्या मान होता है? आत्मा किसका बच्चा है? परमपिता परमात्मा का बच्चा है। आत्मा के लिए क्या गाया जाता है? अरे संसार में आत्मा के लिए कोई गायन है? आत्मा सो परमात्मा, तो ये है स्वमान कि हम आत्मा परमात्मा बाप के बच्चे हैं, बाप समान बनने वाले हैं। हमारा बाप जिस स्टेज वाला है, ऐसी स्टेज धारण करने वाले हम बच्चे भी हैं। बाप निराकारी है, निर्विकारी है, निरहंकारी है, तो हम आत्मा भी क्या होना चाहिए? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। इसको कहेंगे आत्मा का स्वमान। और सम्मान दूसरों को दिया जाता है, दूसरों के लिए भी वो ही भावना रखें कि ये भी परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, ये भी आत्मा है, आत्मा आत्मा भाई भाई है। कोई को नीची दृष्टि से न देखना, ऊंची दृष्टि से देखना। एक ही घर के बच्चे हैं, सब परमधाम के वासी हैं।
सब बाप के बच्चे हैं। ये है सब आत्माओं को सम्मान देना, सब आत्माओं को समान रूप से देखना, मन सम्मान देना, सब आत्माओं को पहले जन्म में कौन सी ऊंची स्टेज पानी है ऐसी संपूर्ण स्टेज वाली आत्मा के रूप में देखना, ये है संपूर्ण मान। कोई को अंतिम जन्म के नीच पार्टधारी के रूप में नहीं देखना। जैसे बाप आते हैं तो हर बच्चे के सतोप्रधान रूप को देखते हैं, हर आत्मा के सतोप्रधान पार्ट को देखते हैं या तमोप्रधान को देखते हैं, सतोप्रधान पार्ट को देखते हैं। ऐसे ही हमारा भी होना चाहिए, बाप को फॉलो करना है, बाप की जो नजर है आत्मा के प्रति वो हमारी भी नजर रहनी चाहिए। और आसन कैसे शुरू किया कि उसका क्या अर्थ है बाबा? बाबा कॉन्सेंट्रेशन से शुरू किया कि है इसका क्या अर्थ है? कॉन्सेंट्रेशन माने एकाग्रता, और एकाग्रता जब एकाग्रता कहते हैं तो कौन से अग्र में हमारा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, किसके आगे हमारी एकाग्रता होनी चाहिए? नीच के आगे होनी चाहिए या ऊंच के आगे होनी चाहिए? हैं? ऊंचते ऊंच कौन है ये पहचानना है। अगर नीच के प्रति एकाग्र हो गए, कोई वैश्या है और वैश्या के प्रति बुद्धि एकाग्र हो गई तो उसका रिजल्ट क्या होगा? नीचे गिरेंगे या ऊपर चढ़ेंगे? नीचे गिर जाएंगे। तो एकाग्रता तो है, अच्छी चीज है, लेकिन किसके प्रति एकाग्रता ये भी देखना है। और रुको, हाँ जी, सर पे जो पापों का बोझा है पापों का बोझा है वो कैसे हल्का होगा? देह भान से पाप हुए तो उल्टा क्या करें है? अरे देह भान में आने से सारे पाप हुए, पापों की जड़ क्या है? देह भान। तो क्या करें? आत्म की स्थिति में रहें, पाप खत्म हो जाएंगे। और पूर्व सभ्यता और पश्चिम सभ्यता, लक्ष्मी और पूर्व सभ्यता और पश्चिम सभ्यता, लक्ष्मी और शुभ के बोला गया है बाबा जी क्या? पूर्व सभ्यता और पश्चिम सभ्यता जो है वो लक्ष्मी या बाप के बोला गया है? लक्ष्मी पश्चिमी सभ्यता वाली है। क्या कहना चाहते? पूर्वी सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता किसके लिए कहा है? लक्ष्मी के लिए कहा है। पूरब में कौन प्रत्यक्ष होता है और पश्चिम में कौन प्रत्यक्ष होता है? है चंद्रमा। अरे लक्ष्मी कहाँ से आती है? हैं? लक्ष्मी का आवाहन करो तो लक्ष्मी कहाँ से आएगी? पश्चिम से आएगी या पूरब से आएगी? पश्चिम से आएगी। आज ही तो बोला देवियों को डुबोया जाता है
या भगवान को डुबोया जाता है, देवियों को डुबोया जाता है, चाहे पहले नंबर की देवी क्यों न हो उसको भी डुबोया जाता है, लेकिन भगवान शिव को नहीं डुबोया जाता। भगवान शिव जिसमें प्रवेश करता है वो नर जो नारायण बनता है उसको भी नहीं डुबोया जाता, लक्ष्मी को, लक्ष्मी को डुबोते हैं। कारण क्या हुआ है? नहीं, मनुष्य क्या, नारायण मनुष्य नहीं था, जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। हाँ, जो जन्म के चक्र में नहीं आता है, निश्चय निश्चय के चक्र में नहीं आता है, उसको नहीं डुबोया जा सकता। जो अनिश्चय रूपी मृत्यु के चक्कर में आ जाता है उसको डुबोया जाता है। और अब देखो कौन से पेपर होंगे। अभी ब्रह्मा कुमारियां तुम्हारा पेपर ले रही हैं कि नहीं है? ब्रह्मा कुमारियों में वो ब्रह्मा कुमारी का नाम बताओ जिससे सब ब्रह्मा कुमारियों ने सीखा है। जो तुम कहती हो बाप आया हुआ है और वो कहती हैं बाप नहीं हो सकता, तो उन ब्रह्मा कुमारियों की वो अम्मा कौन है जो ये सिखा के गई है कि वो बाप नहीं हो सकता और तुम कहते हो कि बाप आया हुआ है? वो कौन सी ब्रह्मा कुमारी है? माया, माया बेटी। और माया बेटी भी थक गई, हार गई, शरीर भी छोड़ गई। तो जब माया बेटी थक गई, जिसने सब ब्रह्मा कुमारियों को ये बातें सिखाई कि भगवान नहीं आया हुआ है साकार में, वो तो आया था ब्रह्मा के तन में, अब उस माया बेटी ने किससे हाथ मिला लिया है? माया ने हाथ प्रकृति से मिलाया है। और प्रकृति के कितने तत्व होते हैं? पांच तत्वों में सबसे पावरफुल तत्व कौन सा है? पृथ्वी, जगत, अम्बा। तो जगदम्बा से हाथ मिलाया है। जो हारने वाला शत्रु होता है वो कोई पावरफुल से हाथ मिलाता है या अपने से कमजोर से हाथ मिलाता है? तो जगदम्बा माया से भी जास्ती पावरफुल है। प्रकृति इतनी पावरफुल है कि जब तामसी रूप धारण करेगी तो सारी दुनिया का विनाश कर देगी। शंकर जी के लिए तो सिर्फ गाया हुआ है, शंकर द्वारा विनाश, लेकिन शंकर नहीं करता है। प्रैक्टिकल में विनाश करता कौन है? उन शक्तियों में मुख्य शक्ति कौन है? प्रकृति। वो जगदम्बा है जिससे माया बेटी ने हाथ मिलाई लिया है। तो समझ में आया बाबा? है, शरीर छोड़ने की बात नहीं, आत्मा रहती है, तो वो आत्मा समझती है क्या?
आपको चमकी हुई दिखाई पड़ती है? चमक की नहीं बोली बाबा, सब जो शरीर छोड़ा वो आत्मा बन गई है। आत्मा है, शरीर में प्रवेश न करते हुए वो समझ सकती है क्या? क्यों नहीं समझ सकती? सूक्ष्म शरीर नहीं होता है क्या? सूक्ष्म माने सूक्ष्म जो आँखों से दिखाई ना पड़े। किसी को उबे हुए जैसा आदमी दिखता है तो क्या? भय का भूत दिखाई पड़ता है। जो कमजोर आत्माएं होती हैं उनको दिखाई पड़ता है या सबको दिखाई पड़ता है? हैं? अच्छा हमें भूत दिखाओ। दिखाओ, हमको भी नहीं दिखता। तो क्यों बातें करती है? ऐसे कौन बोलते ना बाबा? तो भूत की बातें क्यों? अरे दुनिया बोलती है, बोलने दो। तो पूछ रहे हुए क्या सकते हैं? आप पूछते हैं माने डरते हैं ना? तो क्यों पूछते हैं? वो होता ही नहीं। ओम शांति।